पत्रकार और मीडिया अगर चाहे देना तो मरे हुए इंसान से भी वो बात बुलवा लेती है जो बात वो किसी से नहीं, मतलब वो बात वो किसी से नहीं बताया होगा। कोई भी ऐसी बात जो हो बुलवा लेती है, वो बुलवा लेती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के प्यारे से नए ब्लॉग में। अभी बज रहे हैं शाम के 5, अभी जस्ट सो के उठे हैं। आज सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी और मौसम भी आज का पूरा एकदम ठंडा ठंडा ही था, तो अच्छी सी नींद लग गई। तब देखे यार, ब्लॉग तो बनाए ही नहीं, वीडियो तो बनाए ही नहीं अपने चैनल के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी को लेके। गोरखपुरिया भौजी के सपोर्ट में हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, आप सबको तो पता ही है। दोस्तों गोरखपुरिया भौजी के घर मीडिया गई हुई थी और मीडिया का सवाल ये है कि ये सब चीज़ें हैं जो बताएंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि विष्णुराज को जेल गए कितने दिन हो गए, लगभग 8 से 9 महीने हो गए दोस्तों विष्णुराज को जेल गए। और विष्णुराज और मालती चौहान की जो कहानी है वो किसी से छुपी नहीं है, आज यूट्यूब पे हर जगह सब कोई जान रहा है, तो उस कहानी को दोहराने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। लेकिन मीडिया जब जाती है गोरखपुरिया भौजी के घर, गोरखपुरिया भौजी से सवाल पूछती है कि अगर विष्णुराज जेल से बाहर निकलते हैं, आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं, आप उनकी मदद करेंगी? तो दोस्तों गोरखपुरिया भौजी का सीधा साफ जवाब है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कंट्रोवर्सी करना ही नहीं चाहते, हम किसी के उसमें वीडियो बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली है, मेरे खुद के बच्चे हैं, खुद के हस्बैंड हैं, हम लोग खुद का कॉन्टेंट बनाते हैं। तो ये बहुत बहुत सही बोला है भाभी ने, क्योंकि भाभी ने बहुत सारे लोगों का सपोर्ट करके देख लिया है। भाभी को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इन लोगों कोई, तो उन लोगों ने भाभी का सपोर्ट नहीं किया था। भाभी ने जब उन लोगों से मदद मांगी थी, जब घर नहीं बना था, उन्होंने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने जब उनका घर नहीं बना था तब इन्होंने उन लोगों से मदद मांगी थी, तो उन लोगों ने भिखारी का नाम दिया था भाभी को कि भीख मांग रही है, जबकि उन लोगों का काम गोरखपुरिया भौजी के बगैर नहीं चलता था। आज वो लोग इस जगह पहुँचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गोरखपुरिया भौजी की वजह से ही। गोरखपुरिया भौजी को भगवान मानते थे सब। गोरखपुरिया भौजी जब तक उनके वीडियो में बोलती नहीं थी तब तक उन सबका वीडियो चलता नहीं था, और आज जब बड़े जगह पहुँच गए, अपना जब सब कुछ मुकाम पा गए, तब गोरखपुरिया भौजी को भूल गए, उल्टा ही गोरखपुरिया भौजी को ही सब ब्लेम डालने लगे, गोरखपुरिया भौजी को ही गलत बोलने लगे। गोरखपुरिया भौजी अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों ने कुछ दिन तक साथ दिया। उसके बाद से जो लोगों ने जो लोग खिलाफ थे वही लोग अश्लीलता के पीछे पड़ गए, क्योंकि उससे उन लोगों की कमाई हो रही है, उसी चीज़ से उन लोग कमाई हो रही है। अगर गोरखपुरिया भौजी फिर से अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाती है, भाभी का ये कहना है कि मैं उठाऊंगी तो मेरे को ही मार दिया जाएगा, तो उससे अच्छा है कि भाई जो जो जिसका जो मन करे करे, अपना दो पैसा कमा रहा है, खाए पिए, अपना जो करे वो करे। सही बात है दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी एक ऐसे इंसान है जो सबका सपोर्ट करती है और उसको मिलता है धोखा। बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट करती। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा था, 2 दिन पहले ही उनके घर एक लड़की भाग के गई थी, वो लड़की भाग के गई थी और बोल रही थी कि मुझे काम चाहिए, काम के बहाने वहाँ भाग के गई। तो और फिर भाभी जब पूछताछ की, क्योंकि किसी भी लड़की को ऐसे ही कोई अपने घर पे रखेगा नहीं बिना जांच पड़ताल के, और मेडिकल लाइन में थी, मोबाइल वोबाइल का वो बैग वैग उसमें सारा कॉपी किताब सब कुछ था दोस्तों, अच्छे खासे घर की वो लड़की थी, भाग के वहाँ गई हुई थी। लेकिन भाभी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि बिना किसी रिस्क के उसे थाने में ले जाके पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि अगर वो अपने घर रखती हैं कि कोई भी बात होगी तो पूरा का पूरा ब्लेम उन्हीं के ऊपर जाएगा दोस्तों। और ये सब केसेस बहुत सावधानीपूर्वक इंसान को रहना चाहिए, क्योंकि लड़की का मामला है, कल को कुछ हो गया तो पूरा गोरखपुरिया भौजी के इतने सारे दुश्मन हैं कि थोड़ा सा कोई बात होगा तो उसको बड़ा सा कर देंगे सब। इसीलिए भाभी ने बिना किसी रिस्क के उसको पुलिस थाने में ले जाके छोड़ा, जैसे कि मैंने पिछली ब्लॉग में आप सबको बताया, आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, विष्णुराज को जेल से बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इतने दिन हो गए, उनकी जो भी बेल है ना वो खारिज पे खारिज ही होती जा रही है। क्यों खारिज हो रही है? पुलिस को कुछ मिला होगा ना, कुछ ठोस सबूत मिला होगा जिसकी वजह से पुलिस उनका बेल खारिज कर रही है। आखिर वो निर्दोष होते तो अभी तक जेल से बाहर होते, शायद दोषी होंगे। अब हम ये नहीं कह रहे कि विष्णुराज दोषी ही हैं,
अब पुलिस का काम है भाई, पुलिस करे जैसे करे वैसे करे, हम लोग कौन होते हैं भैया, हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं है। अब जो भी पुलिस करे, अगर वो निर्दोष होंगे तो ज़रूर बाहर आएंगे, दोषी होंगे तो सज़ा मिलेगी। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही।